हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन मैं हूं वृणुगोपाल शर्मा और आपके गेट एकेडमी लाइव ऐप पर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा फ्लूट मैकेनिक का सब्जेक्ट फॉर योर एसएससी जेई एंड अदर स्टेट्स जे एग्जामिनेशन ना क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ठीक है अब यहां पर जो फ्रूड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है ये हम लोगों के लिए बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट है बींग अ सिविल इंजीनियर तो सिविल इंजीनियर के सारे स्टूडेंट जो भी जेई लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं फ्लूट का सब्जेक्ट डील करने वाला हूं इन गेट एकेडमी लाइव तो ये पेड कोर्स है और जो भी इसके डिफरेंट इस तो इस तक देखिएगा ना बात करते फ्लू मैकेनिक्स की तो फ्लूट मैकेनिक आप लोगों को होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियसली गेट ई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है बट आप लोगों को अगर प्रिपेयर करना है फॉर जेई एग्जामिनेशन तो आप लोगों को अपना प्रिपरेशन स्टाइल प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का नजरिया किस तरीके से रखना है कैसे पढ़ना है इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है और इसमें आप लोगों को गेट अकेडमी हेल्प करेगी थ्रू दिस लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ओके सो गेट अकेडमी लाइव एप पर मैं आप लोग को फ्लूट मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग सारे स्टेट्स इंडिया लेवल के में जो भी आप लोग को जूनियर की पोस्ट आती है उसके लिए कैसे आप फाइट कर सकते हो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो क्या कंटेंट आपका सुना चाहिए ये सारी चीजें आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे नाउ एक अगर मैं बेंच वर्क मारू की फ्लूट मैके किसी भी एस्पेरेंट को क्या पढ़ना चाहिए अगर वो किसी भी जूनियर लेवल जूनियर इंजीनियर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहा है

थोड़े से टॉपिक आपको यहां पर नजर आ रहे हैं तो ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को क्या क्या ओवरऑल पढ़ना होता है बट दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन नाउ वन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि स्टेट स्टेट टू टू एंड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है हमारे पास पीएसयू की और गवर्नमेंट की वो भी एग्जाम कंडक्ट करती है जूनियर इंजीनियर लेवल पे जैसे कि आर आरबी हो गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना तो यहां पर हम लोगों को यहां पर हम लोगों को कुछ कुछ टॉपिक्स कहीं एक्स्ट्रा दिख सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि से, से डिफर करे है ना यानी कि इसमें नहीं है लेकिन उस दूसरे एग्जामिनेशन में हो है ना या इससे कम टॉपिक्स दिखे ऐसा भी हो सकता है सो एट एनी कॉस्ट आपको पता ना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों का कंटेंट होता है इंजीनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन लेवल तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर सकते हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जेई लेवल का एग्जाम हो रहा हो और वो बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट को वेलकम करा है कि ओके वो भी भर सकते हैं तो ऐसे केस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और अगर वहां आप लोगों के पास सिलेबस का बाउंडेशन आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना होता है जेई लेवल पे तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है तो यहां पर हम लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे थ्रू अवर लाइव क्लास प्रोग्राम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपरली एक जेई लेवल के एग्जामिनेशन एक में क्या क्या चीजें आपको ख्याल रखनी होती है और डिफरेंट एग्जाम्स जब कंडक्ट हुए थे प्रीवियस हिस्ट्री में तो वहां पर वहां पर हमारे पास किस तरह से क्वेश्चंस आए थे किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस गया, किया गया था आप लोगों को कैसा यहाँ पर फोकस करना चाहिए इस सब्जेक्ट पे किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए सभी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ये सारे ओवरऑल टॉपिक्स थे अब यहाँ पर जो फ्लो इन ओपन चैनल वाला पार्ट है ये मैं डील नहीं करूंगा यस इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो इस कोर्स का मैंने पार्ट रखा है ये टॉपिक आप लोगों को रिचा मैम प्रोवाइड करेगी ओके ओपन चैनल फ्लो वो डील करेंगी आप लोगों के साथ आपके लाइव प्रोग्राम में इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स ओके नाउ अब यहां पर जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सिलेबस थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं तो एक मैंने एक यूनानिमस प्रोग्राम यहां पर बनाया फॉर फ्लू मैकेनिक्स तो इसमें सारे टॉपिक्स को मैंने इस सिक्वेंस में अरेंज किया है ठीक है तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा फ्लू प्रॉपर्टीज जितने प्रॉपर्टीज है वो हम लोग समझेंगे वहां पर लाइक सरफेस टेंशन हो गया आपके पास डेंसिटी एक्सेट्रा हो गया कैपिलरिटी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो जो जो बेसिक चीजें हैं विस्कोस्टी हो गया न्यूटल भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं थोड़ा सा तो ये सब चीजें कहां कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हर एक में आप लोग को बताऊंगा फ्लूड स्टैटिक्स में जाएंगे हम लोग ठीक है फ्लू स्टैटिक्स में हम लोग जो प्रेशर मेजरमेंट एक्सेट्रा वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे हाइड्रोस्टिक जो प्रेशर वगैरह पार्ट है तो जो आपके पास फोर्स ऑन सरफेस वगैरह पार्ट है वो सारी चीजों को एक जे लेवल पे किस तरह से हैंडल करना है वो तो मैं आप लोग को इस चैप्टर में सिखाऊंगा फ्लू कैनमेटिक्स एस एस में देखोगे तो सिलेबस में मैंशन नहीं है लेकिन किसी किसी जेई में आया हुआ है तो वहां से क्या क्या आप लोगों को ऑप्ट करना है क्या क्या पढ़ना है कितना पढ़ना जरूरी है जो नेक टू नेक चीजें जो रिक्वायर्ड है चीजें बस वही पढ़ाई जाएंगी जो इनरेलीवेंट डेटा है उसके साथ हम लोग डील बिल्कुल भी नहीं करेंगे सो so, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है यहाँ पर आप लोग हंड्रेड परसेंट श्योर रहोगे रिगार्डिंग योर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन किसी भी स्टेट का हो किसी भी डिपार्टमेंट का हो ठीक है देन उसके बाद हम लोग फ्लू डायनेमिक्स पे आएंगे फ्लू डायनेमिक्स जैसे कि मेंशन किया था एस एससीजी का सिलेबस अगर आप देखते हो पीछे जाकर के बर्नॉलिस थ्योरम वगैरह वाला पार्ट हो गया तो बर्नॉलिस थ्योरम और उसके जो एप्लीकेशन है लाइक वेंचुरी मीटर है पिटॉट ट्यूब एक्सेट्रा ये सब हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो फ्लू डायनेमिक्स हम लोग यहाँ पर डील करेंगे जिसमें बर्नॉइज इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूड हो गया रियल फ्लूड हो गया लेवल में इंपॉर्टेंट है फ्लो पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद वी आर स्ल्यूम्स एंड में जो फ्लो है वो वाली चीजें मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा पंप्स एंड टर्बाइन हम लोग का लास्ट चैप्टर का विच इज बेसिकली आपके पास हाइड्रोलिक मशीनरी या फ्लू मशीनरी बोल सकते हो तो इसके टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इन योर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन वो मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा तो प्रॉपर आप लोगों के पास वर्क बुक होगी आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाएंगे क्लास में लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे मैं तो आपको प्रॉपर होमवर्क देना असाइनमेंट देना सारी चीजें एकदम जैसे जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम चीजें आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप लोगों को कंटेंट इंडिया का बेस्ट लेवल का मिले आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही गजब की हो और आप लोग एक रैंकर बन पाओ इन चीजों का मैं बिल्कुल ख्याल रखने वाला हूं अपने इस प्रोग्राम में ठीक है नाउ तो अब जैसे कि देखते हैं हम लोग मैंने क्वेश्चंस की बात करी तो आप देखिएगा इतने सारे आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स आपके जे लेवल के एग्जाम लेते हैं ठीक है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में जहां से मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बेस्ट है ये क्लास में होना चाहिए वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा आपको बताऊंगा कि भाई इस डिपार्टमेंट से इस स्टेट से एग्जाम से एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूं आपको बताऊंगा कि वहां के क्वेश्चन का फ्लेवर कैसा है माइंड सेट कैसा है वहां अगर पेपर आता है तो एक टफ पेपर होगा तो कैसा दिखेगा ईजी पेपर होगा तो कैसा दिखेगा तो एक गुड आइडिया आप लोगों को एग्जाम का मैं वहां पर, पर, पर प्रॉपर आप लोगों को देने वाला हूँ तो बिल्कुल आप लोगों को फील नहीं होगा जब आप एग्जाम दोगे कल को कोई भी एग्जाम दोगे तो आपके फील होगा कि ओके हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि पेपर ऐसा आता है तो पेपर के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है तो हम लोग जो प्रीवियस एस एस सी जे के जो पेपर होंगे आर आरबी जे हो गया डी डी इज डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया डीएमआरसी डेली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हो गया ये सारे जो हम लोग एग्जाम्स देखे हैं, हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री में यहां पर क्वेश्चन कैसे आए थे ये सारी चीजें हम लोग डील यहां पर करने वाले डिफरेंट स्टेट के जे लेवल के एग्जाम्स के पेपर गेट में भी कुछ ए, कुछ ईजी और अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि जेम भी ईएससी के साथ भी सेम ऐसा होता है तो वहां से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोग को मैकेनिक्स के प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग का जो मैकेनिक्स का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है तो यार ये जो वीडियो है इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ठीक है सभी को बताना आप लोग ट्राई कीजिएगा गेट एकेडमी का जो लाइव ऐप है उस उसपे आइए और देखिए कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा है यूजर इंटरफेस कैसा है एज अ स्टूडेंट आपकी जो फीलिंग रहेगी वो बहुत अच्छी होने वाली है

एक्मिनेशन के लिए सो आई होप आप लोग गीत अकेडमी लाइव ऐप पे मुझसे मिलना चाहेंगे मुझसे पढ़ना चाहेंगे मुझे आपका इंतजार रहेगा ओके लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच